म्यूजिक। अरे तुमने जो देखा है, सोचा है, समझा है, जाना है, वो मैं नहीं, वो मैं नहीं। तभी अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पर जिस तरह का स्टेटस देखा फ्रेंड्स लिरिक्स वाला, आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स कुछ इसी तरह का जो लिरिक्स स्टेटस में काइन मास्टर से एडिट करके दिखाऊंगा फ्रेंड्स, और आप भी एडिट कर सकते हैं। और जो मैं लिरिक्स लिखा हूँ फ्रेंड्स वो भी काइन मास्टर से, तो आप भी इस तरह का कैसे लिरिक्स लिख सकते हैं, इस तरह का जो स्टेटस कैसे क्रिएट कर सकते हैं लाइट मोशन जैसा, तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स वीडियो में बने रहे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट, अगर मेरे चैनल पर नए तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। तो चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस तरह के स्टेटस बनाने के लिए आपको मोबाइल जो काइन मास्टर है डाउनलोड करके ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद उसका जो इंटरफेस है कुछ इस प्रकार ओपन होकर दिखेगा। दिखने के बाद को सबसे पहले करेक्ट न्यू पे क्लिक करना, नया रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट करना, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक हो जाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ से जो ब्लैक कलर का बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट हो जाने के बाद से कट लगा देना। जो ब्लैक कलर का बैकग्राउंड इसका जो ड्यूरेशन है वो 5.5 सेकंड तक रख देना कुछ इस तरह से। तो इसका जो ड्यूरेशन मैं 5.5 सेकंड तक रख लेता हूँ फ्रेंड्स, आप भी कुछ इसी तरह से जो रख लेना। एडजस्ट हो जाने के बाद में फर्स्ट तरफ आ जाना कुछ इस तरह से। उसके बाद लेयर पे क्लिक करना फ्रेंड्स, मीडिया पे जाना, जो सॉन्ग है तो सॉन्ग वीडियो में, तो उस वीडियो को मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ और ट्रेडिंग ऑडियो का साउंड बाहर निकाल लेता हूँ, वीडियो यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। इतना हो जाने के बाद में जो लिरिक्स लिखना है तो कैसे लिखना है चलो मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले को जो लेयर का ऑप्शन दिख रहा है लेयर पे क्लिक करना, उसके बाद को टेस्ट पे क्लिक करना। टेस्ट पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। तो सबसे पहले को लिखना है अरे, तो चलो मैं लिख लेता हूँ अरे। लिख लेने के बाद फ्रेंड्स यहाँ से आपको डन कर देना है। डन हो जाने के बाद में थोड़ा इस तरह से जूम कर लेना। इतना जूम हो जाने के बाद में क्या करना, जो फॉन्ट का ऑप्शन दिख रहा है डबल ए लिखा, उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद फिर जाना है हेड राइटिंग में। हेड राइटिंग में जाने के बाद फ्रेंड ये जो वीडियो इस वाला जो लिखा है जनरेट वर्ल्ड, इसको मतलब डाउनलोड करना। इस वाला जो फॉन्ट है वो सिलेक्ट कर लेना, कोई भी फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, मुझे ये फॉन्ट अच्छा लगता है फ्रेंड। इस वाला फॉन्ट को डाउनलोड कर लेना, नाम देख लो और यहाँ से कट लगा देना। कट लगा देने के बाद में थोड़ी इस तरह से जूम कर लेना है। अगर आप एक फ़ोटो को एडजस्ट करते हो फ्रेंड्स तो आपका जो जितना भी फॉन्ट है सब एडजस्टमेंट हो जाएगा, खाली उसमें फॉन्ट लिखना है आपको। तो उसके बाद आपको जो कलर है कलर पे क्लिक करना फ्रेंड्स, इस वाला कलर को सिलेक्ट कर लेना है, ऐसे डन कर देना। डन हो जाने के बाद फ्रेंड्स क्या करना, स्क्रॉल के वो नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद फ्रेंड्स जो लिखा आउटलाइन इस पर को क्लिक करना, इसको यहाँ से को इनेबल कर देना। इनेबल हो जाने के बाद फ्रेंड्स को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ से जो इस वाला कलर को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से डन कर देना। डन हो जाने के बाद फ्रेंड्स का जो कुछ इस तरह इसका जो मतलब साइज़ को कम कर रख देना, 3-4 या 4 पॉइंट पर रख देना, ऐसे डन करना। उसके बाद फिर से को वही लेयर पे क्लिक करना फ्रेंड्स, जो फॉन्ट लिखे हो और इसको के नीचे जाना हो, यहाँ दिखा जो ग्लो लिखा है इस पर क्लिक करना है और इसको यहाँ से इनेबल कर देना है। इसको कुछ इस तरह से थोड़ा बहुत आपको इंक्रेज कर लेना है, आपका देखना परफेक्ट एडजस्ट कैसे होगा। तो अभी इसको जो 15 में रख देना कुछ इस तरह से और यहाँ से डन कर देना। डन हो जाने के बाद फ्रेंड आपका जो फॉन्ट है कुछ इस प्रकार बन दिखेगा। दिखने के बाद सॉन्ग पहले सुन लेना कि कहाँ तक गाड़ी का साउंड है और यहाँ तक आना फ्रेंड्स, पे जो कैची के ऑप्शन में जाना, आपको यहाँ से स्प्लिट प्लेट करके कट लगा देना, डन करना। फिर से इस पर क्लिक करना फ्रेंड्स, फिर से ऊपर में यहाँ फॉन्ट जो डबल ए के ऊपर में दिख रहा है उस पर क्लिक करना है, इसको यहाँ से वो हटा देना। उसके बाद यहाँ लिख देना कि यहाँ क्या बोला है, तो आपको सुन लेना। यहाँ बोला तुमने TUMANE तुमने, तो यहाँ मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, डन कर लेना। इसको इस तरह से एडजस्ट कर लेना, बड़ा छोटा जो करना चाहते हैं आप कुछ इस तरह से उन्हें से डन करना। फिर थोड़ा दूर आ जाना कुछ इस तरह से, इसको भी यहाँ से दो भागों में को डिवाइड कर लेना है और इसी तरह से फॉन्ट में आपको जो लिख लेना है, तो जो भी सॉन्ग में मतलब साउंड है वही को लिख लेना है। तो यहाँ जो लिखा है जो, तो मैं जो लिख लेता हूँ, इसे डन करना है। फिर से को थोड़ा मैं इसको जूम कर लेता हूँ इतना। फिर से कुछ इस तरह से को यहाँ तक आ जाना फ्रेंड्स। फिर से जो स्प्लिट टू फ्लेट करके कट कर देना, इसमें कोई एनिमेशन कैसे लगाना तो उसके बारे में बताऊंगा। और फिर से इसमें जो लिख लेता हूँ फ्रेंड्स, आप भी जो सॉन्ग को पूरा मतलब सुन लेना क्या बोलता है उसको, वही जो को लिखना है लिरिक्स में। तो उसके बाद बोला देखा, तो चलो मैं जो लिख लेता हूँ देखा DEKHA।
देखा लिख लेने के बाद फिर डन करना इसको इस तरह से, फिर से डन करना है। इसका जो ड्यूरेशन है कुछ इस तरह से, वीडियो के लास्ट तक ले आना यहाँ तक, और यहाँ से फिर से इसको फ्रंट पे क्लिक करना है। सॉरी, क्लिक करने के बाद मैं इसको दो भागों में पहले मैं डिवाइड कर लेता हूँ और इसमें जो मैं है लिख देता हूँ। आप भी कुछ इसी प्रकार फ्रेंड्स लिख लेना, आपका स्टेटस कमाल बन के दिखेगा फ्रेंड्स। तो चलो मैं लिख लेता हूँ, इनसे डन कर देना। इतना हो जाने के बाद मेरे को एनिमेशन ऐड करना। तो कैसे ऐड करना, फर्स्ट जो लिरिक्स पे क्लिक करना, जाना आपको इन एनिमेशन में। इन एनिमेशन में जाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ जो लिखा है स्लाइड राइट, इसको सिलेक्ट करना, इसको कुछ तरह से डन कर देना। फिर दूसरा लिरिक पे क्लिक करना, फिर से ना इन एनिमेशन में, और जो लिखा स्लाइड राइट इसको सब एनिमेशन में आपको ऐड कर देना। मतलब कि सब जो लिखे हो आप लिरिक्स उसमें ऐड कर देना स्लाइड राइट वाले। इसको सिलेक्ट हो जाने के बाद वो फोटो ऐड करना। तो कितना पॉइंट में फोटो ऐड करना, तो उसको भी बारे में बताऊंगा फ्रेंड्स। तो वीडियो पे बने रहना, और आज का जो स्टेटस है कमाल होने वाला है। इतना हो जाने के बाद में यहाँ तक आ जाना कुछ इस तरह से। यहाँ तक आ जाने के बाद वो फोटो ऐड करना। तो फोटो ऐड करना, सेटिंग में जाना, एडिटिंग में जाना, उन्हें फिल स्क्रीन सेलेक्ट करना। फिल स्क्रीन सेलेक्ट हो जाने के बाद में इसका जो ड्यूरेशन है कुछ इस तरह से रख देना है, 2 सेकंड एक पॉइंट पर रख देना है, दो सेकंड पर रख देना है। अगर एडजस्ट करना पड़ेगा फिर तो एडजस्ट कर लूँगा। 2 सेकंड पर रख देने के बाद फिर यहाँ से वो कट लगा देना। कट लगा देने के बाद वो मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद समझना गैलरी कुछ इस प्रकार दिखेगा। दिखने के बाद फिर यहाँ से 30 या 30 मॉडल्स फोटो की ज़रूरत पड़ सकता है फ्रेंड्स। तो चलो मैं यहाँ से जो 30 या कुछ मॉडल्स फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ फ्रेंड्स। तो मुझे उम्मीद है कि 30 मॉडल्स फोटो की ज़रूरत पड़ेगा। तो मैं यहाँ से जो कुछ मॉडल्स फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ लगभग 30 के आसपास। इतना हो जाने के बाद से कट लगा देना। कट लगा देने के बाद मेरे को कुछ इस तरह से यहाँ तक आ जाना है। तो इसको देखना कि जो फोटो बीट के साथ परफेक्ट एडजस्ट हुआ कि नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ फ्रेंड्स तो को एडजस्ट करना। तो कैसे एडजस्ट करना, चलो मैं दिखा देता हूँ आपका जो कुछ इस तरह से यहाँ तक देख लेना। फ्रेंड्स बीट के साथ परफेक्ट एडजस्ट नहीं हुआ तो एडजस्ट कर लेना। जो फर्स्ट फोटो पर क्लिक करना, इसका जो ड्यूरेशन है कुछ तरह से को कम कर देना है। तो इसका जो ड्यूरेशन फ्रेंड को रखना है 1 सेकंड 2 पॉइंट पर, वो डन करना। फिर दूसरा फोटो पर क्लिक करना, अपना इसका भी ड्यूरेशन को रखना है 1 सेकंड 2 पॉइंट पर। तो जितना यहाँ से अपने कुछ मॉडल्स फोटो का ड्यूरेशन को रखना है 1 सेकंड 2 पॉइंट पे। तो चलो मैं यहाँ से कुछ मॉडल्स फोटो का ड्यूरेशन है मैं एडजस्ट कर लेता हूँ 1 सेकंड 2 पॉइंट पे। तो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स मैं किस तरह का एडजस्ट कर रहा हूँ। अभी कुछ इसी प्रकार एडजस्ट कर लेना। तो ये देखो मेरा एडजस्ट हो चुका है फ्रेंड्स। उसके बाद जो वीडियो का प्रोसेस मैं बताऊँगा फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना फ्रेंड्स, और मेरे चैनल पर नए तो चैनल को फटाफट से एडजस्ट मतलब सब्सक्राइब कर लेना। अगर इस तरह से एडजस्ट करते फ्रेंड्स का जो स्टेटस है वीट के फर्स्ट साथ परफेक्ट एडजस्ट हो जाएगा। उसमें कोई इफेक्ट कैसे ऐड करना तो उसके बारे में भी बताऊंगा फ्रेंड्स। तो वीडियो में बने रहें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो फ्रेंड्स मैं पहले देख लेता हूँ मैं कितना मॉडल्स फोटो जो एडजस्ट कर चुका हूँ। तो देख लेता हूँ पहले मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये देखो फिर 9 नंबर पे मॉडल्स फोटो, इसका भी मैं कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेता हूँ फ्रेंड्स। डन करना, उसके बाद जो फोटो है इस पर भी क्लिक करना। तो 10 मेरा एडजस्ट हो चुका है फ्रेंड्स। आपको कुछ इसी तरह से 12-13 फोटो एडजस्ट होगा आपको। तो जब सॉन्ग प्ले करके सुनोगे उसमें बीट आता तो सुनोगे, जो इस तरह का एडजस्ट करोगे बीट के साथ परफेक्ट एडजस्ट हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ तक जो एडजस्ट कर लेना है, चलो मैं दिखा देना वो कहाँ तक एडजस्ट करना फ्रेंड्स कुछ इस तरह से। तो एडजस्ट हो जाने के बाद फ्रेंड्स वीडियो का प्रोसेस में बताऊंगा। तो ले देखो मेरा यहाँ तक एडजस्ट हो चुका है। यहाँ तक एडजस्ट हो जाने के बाद में कुछ इधर अलग टाइप का वीट है तो आपको क्या करना है। अगर आपको देख लेना कि वीट अगर अलग टाइप का आ रहा है तो आपको क्या करना, चलो मैं दिखा देता हूँ कुछ इस तरह से। इसका जो ड्यूरेशन है यहाँ तक एडजस्ट हो जाने के बाद में ड्यूरेशन 5 पॉइंट पर रख देना है कुछ इस यहाँ तक एडजस्ट हो जाने के बाद फ्रेंड्स। तो जो देख रहे हो 22 सेकंड तक एडजस्ट हो जाने के बाद में ड्यूरेशन आपको 5 पॉइंट पे रख देना फ्रेंड्स। उसको 22 सेकंड 3 पॉइंट पर एडजस्ट कर लेना। उसके बाद जो फोटो है यहाँ जो एक मॉडल्स फोटो का जिसमें 5 पॉइंट पे रखना है, और उसके बाद जो मॉडल्स फोटो इसका ड्यूरेशन 4 पॉइंट पे रख देना है, और उसके बाद जो मॉडल्स फोटो है एक मॉडल्स फोटो उसका ड्यूरेशन आपको 3 पॉइंट पर रखना है। तो चलो मैं इसको 3 पॉइंट पर रख देता हूँ, डन करना। उसके बाद जो मॉडल्स फोटो है इसका जो ड्यूरेशन आपको फिर से रखना है कुछ इस तरह से 1 सेकंड 2 पॉइंट पर रख देना फ्रेंड्स इस तरह से, डन करना। फिर से यहाँ से फिर से जो मॉडल्स फोटो है एक मॉडल्स फोटो का डिस्कमेंट 0.5 पे रखना, उसके बाद एक मॉडल्स फोटो का डिस्कमेंट 0.4 पे रख देना फ्रेंड्स कुछ इस तरह से, और एक मॉडल्स फोटो का डिस्कमेंट 0.3 पे रखना है।
और एक मोटर्स फोटो का जो डायरेक्शन है बीट आपको मतलब फले करके सुन लेना कि कहाँ पे आता है, और कुछ इस तरह से इसका जो डायरेक्शन आपको दो एक सेकंड दो पॉइंट पे रख देना है। रख देने के बाद फ्रेंड्स तो यहाँ थोड़ा मेरा अलग बीट है, इसका डायरेक्शन मैं और थोड़ा कम कर लेता हूँ। इसका डायरेक्शन मैं एक सेकंड तक रख देता हूँ कुछ इस तरह से। रख देने के बाद फ्रेंड यहाँ से जो पाँच मोटर्स फोटो का जो डायरेक्शन आपको कुछ इस तरह से दो पॉइंट पर एडजस्ट कर लेना, सॉरी तीन पॉइंट पर एडजस्ट कर लेना है। तब जो फोटो एडजस्ट करोगे बीट को फ्लिक करके मतलब सुन लेना, और इसका जो ड्यूरेशन आपको तीन पॉइंट पे रख देना। तो चलो मैं इसे थोड़ा जो फोटो में सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट हो जाने के बाद जो पांच फोटो का जो ड्यूरेशन आपको तीन पॉइंट पे रखना है, तो मैं चलो थोड़ा बहुत फ़ोटो ले लेता हूँ। इतना लेने के बाद फिर मैं यहाँ तक आ जाता हूँ जहाँ तक एडजस्ट किया हूँ, और ये मॉडल फोटो का ड्यूरेशन मैं जो तीन पॉइंट पर रख देता हूँ। तो आपको सॉन्ग प्ले करके सुन लेना फ्रेंड्स, अगर इस तरह का जो एडजस्ट करने में दिक्कत हो रहा तो आप इसे परफेक्ट एडजस्ट कर लेना, नहीं तो अगर इसी तरह का एडजस्ट करोगे फिर आपको परफेक्ट एडजस्ट हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई यहाँ तक एडजस्ट हो जाने के बाद फ्रेंड्स के बाद जो इस मॉडल फोटो ड्यूरेशन आपको कुछ ही तरह से यहाँ तक रख देना। उसके बाद जो एक्स्ट्रा फोटो लिए हो आपको डिलीट कर देना, फिर आपका जो फोटो है परफेक्ट एडजस्ट हो चुका है। इतना हो जाने के बाद इफेक्ट ऐड करना, कैसे ऐड करना चलो मैं दिखा देता हूँ आपको। कुछ इस तरह से यहाँ तक आ जाना, उसके जो फर्स्ट फोटो पे क्लिक करना है, क्लिप ग्राफ्सी में जाना है। क्लिप ग्राफ्सी में जाने के बाद में स्क्रॉल के नीचे जाना, नीचे जाने के बाद में लिखा है असिस्टेंट बिटसेंस एप्लीकेशन में मिलेगा फ्रेंड्स, अलग क्लिप ग्राफ्सी पे क्लिक करना, इसका जो टू नंबर इफेक्ट है इसको ऐड कर देना, डन करना। डन हो जाने के बाद में उसके बाद जो मॉडल्स अलग से बीट है उस पर क्लिक करना है, क्लिप ग्राफ्सी में जाना है, और इसमें जो कॉल मी डीजे का जो टू नंबर इफेक्ट है इसको ऐड कर देना, डन करना। फिर उसके बाद एक फोटो पे क्लिक करना, क्लिक ग्राफ्सी में जाना, स्क्रॉल के नीचे जाना, और फिर को जाना असिस्टेंट पे, इसका जो थ्री नंबर या फिर ये फोर नंबर ऐड कर देना। एक मॉडल्स फोटो में कॉल मी डीजे का टू नंबर इफेक्ट ऐड करना है, और एक मॉडल्स फोटो में आपको जो सिक्स टेन का जो कोई भी मतलब इफेक्ट ऐड कर सकते हैं। दस ग्यारह इफेक्ट है, आप कोई भी यूज कर सकते हैं जो अच्छा लगे। तो मुझे जो अच्छा लगता है फ्रेंड्स मैं उसी को ऐड कर देता हूँ कुछ इस तरह से। आप भी फ्रेंड्स कुछ इसी तरह जो इफेक्ट है ऐड कर लेना कुछ 12-13 मॉडल्स फोटो तक, जो जहाँ तक है फ्रेंड्स जहाँ तगड़ा बीट मारता है उसमें कॉल मी डीजे का जो टू नंबर इफेक्ट ऐड करना है, और जहाँ थोड़ा बीट मतलब अलग टाइप का है उसमें आपको जो है 6-10 का जो इफेक्ट है कोई भी इफेक्ट यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स में, कोई दिक्कत नहीं। आपका स्टेटस कमाल का ही बन के दिखेगा फ्रेंड्स, लाइट मोशन जैसा, तो आप यूज कर लेना फ्रेंड्स। तो यहाँ देखो मेरा कॉल मी डीजे ऐड होगा क्योंकि यहाँ अलग सा बीट है, और यहाँ थोड़ा लो बीट है, तो इसमें जो मैं 6-10 का जो कोई भी इफेक्ट ऐड करता हूँ चलो 7 नंबर ऐड कर देता हूँ। उसके बाद जो एक फ़ोटो में कॉल मी डीजे का इफेक्ट आपको ऐड कर देना है। तो इस तरह जो फ्रेंड्स आपको फ़ोटो में ऐड कर लेना यहाँ तक कुछ इस तरह से बीट, यहाँ तक एडजस्ट हो जाने के बाद में क्या करना, यहाँ तक दिक्कत हो रहा तो क्या करना, तो इस जो 5 पॉइंट पर रखे तो तीनों मॉडल्स फोटो में आपको जो है 6-10 का मतलब इफेक्ट यूज कर लेना फ्रेंड्स, एक के बाद एक अब यूज कर सकते हैं। और उसके बाद जो फोटो है जिसका ड्यूरेशन ज़्यादा रखे तो उसमें जो कॉल मी डीजे का कोई भी इफेक्ट है कॉल मी डीजे का टू नंबर इफेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो चलो मैं आपको ऐड करके दिखा देता हूँ कुछ इसी तरह से फ्रेंड्स, आप भी कुछ इसी तरह से ऐड कर लेना। ऐड हो जाने के बाद आपका स्टेटस कमाल का बन के दिखेगा। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए, तो आप कुछ इसी प्रकार फ्रेंड्स वीडियो के लास्ट तक जो इफेक्ट ऐड कर लेना, इसमें जिसका ड्यूरेशन ज़्यादा उसमें कॉल मी डीजे का टू नंबर इफेक्ट ऐड लगाना है, और जिसका ड्यूरेशन मतलब कम रखे 3-4-5 पॉइंट पे उसमें आपको जो है बिटसेंस एप्लीकेशन से जो 6-10 इफेक्ट उसको यूज करना फ्रेंड्स। यहाँ 22 सेकंड तक आ जाने के बाद 22.5 सेकंड आ जाने के बाद इतना ऐड हो जाने के बाद वो फर्स्ट तरफ आ जाना कुछ इस तरह से। उसके बाद लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना फ्रेंड्स, मीडिया पे जाने के बाद फ्रेंड्स में टेम्पलेट ऐड करना है। तो मैं यहाँ से जो टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरह से, तो बॉक्स पे क्लिक करता हूँ, इसको वाइट कलर बॉक्स पे क्लिक करना, डन करना, टेम्पलेट पे क्लिक करना, का साउंड है सबसे पहले म्यूट कर देना और डन करना। फिर से एक बार टेम्पलेट पे क्लिक करना, स्क्रॉल के नीचे जाना, ब्लेंडिंग में जाना फ्रेंड्स, यहाँ से स्क्रीन सेलेक्ट कर लेना। तो अगर इस तरह का बनाओगे उसमें अगर स्टेटस कुछ इस तरह का कमाल अमेजिंग बन के दिखेगा। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स वीडियो पसंद है, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना फ्रेंड्स। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।